बिहार में चमकी बुखार और लीची को लेकर फैले भ्रम को लेकर हिमाचल में भी लीची की बिक्री प्रभावित हो रही है। इससे दुकानदार और बागवान भी परेशान हो गए हैं। लीची की बिक्री में आई मंदी से उन बागवानों के भी हवाइयां उड़ गई हैं जिन्होंने व्यापक स्तर पर लीची के भाग लगाए हैं। फलों की रानी के तौर पर पहचाने वाले रसीले फल लीची विवादों में केंद्र में आ गया है। दरअसल डॉक्टरों के साथ बिहार सरकार के कुछ अधिकारियों के द्वारा जब कहा गया कि बच्चों की मौत के पीछे लीची खाना प्रमुख कारण है, तो इसका असर अब बिहार के अलावा देश भर में पड़ रहा है। बिहार में चमकी बुखार और लीची को लेकर फैले भ्रम को लेकर हिमाचल में भी लीची की बिक्री प्रभावित हुई है। हमीरपुर में इससे दुकानदार और बागवान खासे परेशान दिख रहे हैं। लीची की बिक्री में आई मंदी से उन बागवानों की हवाइयां उड़ गई हैं जिन्होंने व्यापक स्तर पर लीची के बाग लगाए हैं। फलों की रानी के तौर पर पहचाने जाने वाला रसीला फल लीची विवादों के केंद्र में है। दरअसल डॉक्टरों के साथ बिहार सरकार के कुछ अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की मौत के पीछे उनका लीची खाना भी एक कारण है। इसका असर ये हुआ कि बिहार समेत देश भर में लीची को संदिग्ध नजर से देखा जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों ने लीची खरीदना तक बंद कर दिया है। इस वजह से दुकानदारों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं और इस फल के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बीते एक हफ्ते में हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में लीची की बिक्री में करीब 30% तक की गिरावट आई है। माना जाता है कि लीची का सीजन केवल 20 से 25 दिन का होता है, इसके बाद लीची खराब होना शुरू हो जाती है। इस बार लीची की बम्पर फसल होने से बागवानों को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद थी, लेकिन चमकी बुखार के कारणों में लीची को लेकर फैली अफवाह ने बागवानों और फल विक्रेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। फलों की दुकानों में लीची तो है लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर एवं महामारी योग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा का कहना है कि लीची को लेकर कोई डरने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कमजोर व कुपोषण के शिकार बच्चों द्वारा कच्ची लीची खाने से बुखार के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन लीची खाने से डरने वाली कोई बात नहीं है। ये दुख की बात है कि बिहार में ये जो चमकी बुखार है, ये जो है उसको लीची के फ्रूट के कारण जो है ये फैलना बताया जा रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो समस्या है कि ये उन बच्चों में हो रहा है जो माल नरिश्ड हैं, जो कमज़ोर हैं या जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने लीची को खाया है और उसके बाद जैसे इवनिंग टाइम में डिनर नहीं करा है, इस एम्प्टी स्टमक्स होने की वजह से है जो ये टॉक्सिन जो है वो ज़रूर इस तरह का बुखार जो है पैदा कर सकता है। लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर शाह के अंडर जो 2-3 साल पहले एक स्टडी भी हुई थी और बिहार सरकार को उन्होंने क्लियर कट इंडिकेशंस भी दी थी कि आप माल न्यूट्रिशन पे काम करिए ताकि ये जो बच्चे हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं और सारा दिन जो है एक तो हीट स्ट्रोक लगता है, ऊपर ये सारा दिन लीची के बगीचों में घूमते रहते हैं और पेट को भरने के लिए लीची को खाते हैं और शाम को ये बिना खाने के सो जाते हैं, ऐसे बच्चों में ये बुखार जो है वो ज़्यादा देखने को मिला है। और ऐसा सच अगर कोई वैसे लीची का उपयोग करता है तो ऐसा कोई डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, हमारे प्रदेश में ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लीची से आजकल परहेज ही कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में बच्चों की मौत से सभी डरे हुए हैं, इसलिए बाजार से लीची नहीं खरीद रहे हैं। मैं ये मान सकता हूँ कि बिहार में लीची खाने से बच्चों की मौत हो गई होगी। वहाँ कौन सी लीची की पैदावार हुई है और कौन सी लीची को बीमारी लगी है? हमारे हिमाचल में लीची की पैदावार लोग करते हैं और खा भी रहे हैं, बाजार में भी आ रही है, लेकिन ऐसा तो यहाँ नहीं पाया गया कि हिमाचल में कोई लीची से ऐसी कोई बीमारी पैदा महामारी हुई हो जिससे बच्चों को नुकसान हुआ हो, तो ऐसा तो मेरा मानना नहीं है। हम क्या बात करें, लेकिन हमारे हिमाचल में ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे भी और हम भी यहाँ बाज़ार से लीची ले रहे हैं, लोकल रोड के साइड में हमारे ग्रामीण जो हैं वो भी बेच रहे हैं, तो हमने तो ऐसा पाया नहीं। नाम क्या जी? मेरा नाम चंद्रलाल डोगरा। जो है वो लोग खा रहे हैं और ऐसा कुछ भी जो है वो देखने में नहीं आया है। बिहार राज्य की अपनी परिस्थिति रही होगी, क्या बच्चों ने वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, वैज्ञानिक हैं या विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या पाया है तो उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन हमारे हिमाचल में ऐसा नहीं है, पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में जो है वो हमारे ग्रामीण लोग इसकी पैदावार कर रहे हैं,
और हमारे लोकल दुकानदार भी दुकानों में भी जो है वो लीची का जो कारोबार कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से कारोबार हो रहा है। और बच्चे भी यहाँ बच्चे भी लीची पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े भी पसंद करते हैं और लीची का आनंद ले रहे हैं। कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी हमारे सामने कोई ऐसी मौत हुई नहीं है या कोई ऐसी घटना नहीं हुई है लीची खाने से कोई व्यक्ति की मौत हुई हो। और ये जो भ्रांतियाँ अफवाह ये मन में लोगों के फैलाई जा रही हैं, इससे हम जो है वो कहीं सहमत नहीं हैं। फिर भी हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं या बागवानी विभाग के इससे ज़्यादा जो अपने बागवानी विभाग के विशेषज्ञ हैं उनको इस पर खोज करनी चाहिए, शोध करना चाहिए, शोध में क्या आता है उसके बाद कुछ कर सकते हैं।